नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के विषय में। भारतीय ग्रंथों की ऐसी अनूठी विशेषता रही है कि चाहे वो किसी भी युग में लिखे गए हों, किसी भी काल और देश परिस्थिति में लिखे गए हों, वो हमेशा से ही हर समय प्रासंगिक होने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक ग्रंथ है भगवद गीता। ये भगवद गीता आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के चंद्र के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया था, उसी का ये संग्रह है। महाभारत का एक भाग है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों में इसको निबद्ध किया गया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि न केवल ये किसी एक धर्म विशेष, जाति विशेष के लिए, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए प्रासंगिक है। उस समय भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। हर एक तबके के मनुष्य को, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आप कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी कार्य करने वाले हैं, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए हमेशा से प्रेरणा देने वाली यदि कोई एक पुस्तक आप कहेंगे तो वो भगवद गीता है। तो आइए दोस्तों, बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से मेरी ऑर्डर की हुई भगवद गीता नहीं आ पा रही थी, और यही भगवद गीता यदि आपको इस रूप में मिल जाए कि आप कोई भी काम करते हो, आपको बहुत ही सुंदर उच्चारण के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में सुनने को भी मिल जाए, और आपको किताब लेकर सामने बैठना भी ना पड़े, तो कितना अच्छा हो जाए। तो इसी प्रकार की भगवद गीता आज आपके सामने अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो भगवद गीता है दोस्तों, बहुत दिनों पहले मैंने ऑर्डर कर दी थी, लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हम किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विसेज हमारे पास आ नहीं रही थी। मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आप भी चाहें तो इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आपके सामने इसे मैं अनबॉक्स करती हूँ, काफ़ी भारी है ये। एक पुस्तक है और लगता है इसमें और भी कुछ सामान है, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। मैं बहुत दिन से सोचे बैठी थी कि जिस भी दिन मेरे पास ये पुस्तक आएगी, आप सभी लोगों के साथ इसे मैं शेयर करूंगी। तो देखिए वो दिन आ गया, क्योंकि लॉकडाउन है, घर में रहिए। वैसे अगर 2 महीने और होता तो भगवद गीता को और आनंद उठा सकते थे, क्योंकि 2 महीने घर में बैठे बैठे आप जो बोर हुए हैं, उस बोरियत को दूर करने का बहुत ही अनोखा, अनुपम तरीका है। तो देखिए ये भगवद गीता है, इसके अंतर्गत देखते हैं किस तरह से आई है। इसके साथ पैक आया है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भगवद गीता बोलती है, किस तरह बोलती है आइए देखते हैं। ये कोई चार्जर है इसमें, इसमें ये कुछ आया है, ये क्या है देखते हैं। ये इसका रिमोट है, और रिमोट को भी बहुत भारतीयता के साथ इसमें दर्शाया गया है। एक वीणा का एक जैसे रूप दे दिया गया है इसको, तो बहुत ही सुंदर ये दिखने में लग रहा है। और ये है इस वीणा का स्टैंड, इस प्रकार से इसे रखा जाता है। देखते हैं, ये इस रिमोट का चार्जर है। अब बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं और क्या है इसमें। अब खुलने जा रही है इस युग की सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुदित एक पुस्तक, सर्वाधिक प्रासंगिक, आपके हमारे सबके जीवन के लिए बहुत अनुकूल, श्रीमद् भगवद गीता आप देख सकते हैं। तो आइए इसे खोलें। इसे खोलते समय सच में बहुत ही सकारात्मक सोच महसूस कर रही हूँ और बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने इसको ऑर्डर किया था, लगभग 2 महीने के इंतज़ार के बाद आई है। जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसमें अगर समय लगता है, तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है आपका। तो शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये इसका
मुख्य रूप दिखाई दे रहा है आपके सामने। ठीक है, तो अब इसे हम खोलने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रही है। और क्योंकि मैंने इसका डेमो देखा हुआ है इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर ये तरीका है इस भारी सी पुस्तक को उठाने के लिए। हम इसे इस तरह उठा सकते हैं और उठा करके ऐसे हाथ में पकड़ सकते हैं। इसमें एक लेटर भी है, लेटर इसे रख देते हैं। ये लेटर है मेरे नाम और इसमें कुछ खास नहीं, बस इसमें डिलीवरी वगैरह के विषय में कुछ लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी, ये पुस्तक जो है ये गोल्ड प्लेटेड है, यहाँ से इसके जितने भी पेजेस हैं अब इसको देख सकते हैं यहाँ से, तो ये कभी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो बुक मार्क है वो भी इसमें दे रखा है, जैसे कि हमारे पुस्तकों में दिया होता है ये। तो ये इसका मुख्य पृष्ठ है, ये पीछे। अब देखते हैं इसकी ख़ास बात। सबसे पहले ये जो रिमोट है इसे हम ऑन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी ध्वनि है ऑन करने में। काश मोबाइल से भी ऐसा होता कि हम बार बार सुन पाते। चलिए अब इसका जो मुख्य काम है, ये इस भगवद गीता की किसी भी चीज़ पर यदि हम उसको टच करते हैं तो वो बोल पड़ती है। न केवल मंत्र, न केवल अर्थ, बल्कि इसके अंतर्गत जितने भी चित्र दिए गए हैं वो चित्र भी बोलते हैं। देखिए कैसे, ये सिर्फ एक चित्र पर मैंने इसको टच किया था। बहुत ही अच्छी तकनीकी का सदुपयोग है ये। यहाँ पर इस तरह से आपको ये संकल्प पत्र दिया होता है, तो इसमें आप अपना नाम इत्यादि भर के नीचे व्हाट्सएप नंबर दे के रखे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर इसके जो भी आपका नाम है, जो भी आपका संकल्प आपने इसमें भरा है, ऐसा कहा जाता है, इसमें कहा गया है, जो इसमें लेटर लिखा है उसमें, कि आपको आपके नाम से कोई पूजा किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ संकल्प अच्छी बात है। हम देखते हैं आगे इसमें। चलिए, बहुत सारे इसमें जितने भी इसके पात्र हैं उन सभी पात्रों का सचित्र यहाँ पर नाम इत्यादि का विवरण दिया गया है। इसमें जितने भी पात्रों के विषय में वो बात करेंगे। अब बात करते हैं शुरुआत की। तो इसमें सारे जो अध्याय हैं उन सभी अध्याय में यहाँ पर चैप्टर वाइज दे रखा है। तो जो प्रथम अध्याय है, तो इस प्रथम अध्याय में आप इस तरह से टच करेंगे तो ये बोलने लगेगा इस तरह से, मंत्र बोलने लगेगा। और मंत्र बोलने के साथ साथ ही इसका अर्थ बोलेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी में अर्थ ही सुने, मंत्र न सुने, तो इसके बगल में ही एक निशान है, इस पर आप इसे टच करें। ये अंग्रेजी है, दोबारा टच करेंगे हिंदी में। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, इस तरह से। धर्म भूमि इसके अतिरिक्त इसमें जितने भी सामान, इसमें जितने भी चित्र है उनको टच करेंगे तो आप आरतियां भी सुन सकते हैं इस तरह से। इसमें जितने भी चित्र हैं वो सब बोलते हैं। अब ये शंख का चित्र है जो अभी आपके सामने लगाया, इसी तरह 18 अध्यायों का संस्कृत में, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में इसमें वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पर चित्र हैं ये सारे चित्र बोलते हैं। ये ब्रह्मा जी का जो आसन है कमल, ये उसका आवाज़ थी। इसके अतिरिक्त बहुत ही सुंदर चित्र है इसमें, ये एक सन्यासी है जो इस समय तपस्या कर रहे हैं, तो उनके लिए ओम की ध्वनि है। इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, जो द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक है हमारे सभी के, ये देखिए
दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है, हमारे सभी के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के दूसरा, बारवां, तेरहवां ये अध्याय लगभग होते ही हैं। और इसके अतिरिक्त भी संस्कृत को पढ़ने वाले, संस्कृत को किसी भी प्रकार से अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के पास भगवद्गीता भी होनी चाहिए और इसके श्लोक जो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं, बार बार हमें उदाहरणों के लिए भी इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो भगवद्गीता थी आज इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने की, जिसको देख करके मुझे बहुत ही हर्ष है। इसे हम कभी भी सुन सकते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपको समय नहीं मिलता, आप काम कर रहे हैं, काम करते करते इसको टच करके आप इसको सुन सकते हैं। एक देखिए ध्वनि का भी एक अपना विज्ञान होता है, जब ध्वनियाँ हमारे कान में पड़ती हैं दोस्तों तो इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखिए किसी भी प्रकार के मंदिर में, किसी भी सत्संग में, समाधि स्थल पर इत्यादि पर आप जाएंगे तो स्वतः ही आपके मन में सकारात्मक भाव अपने आप को बजते हैं। तो इसका क्या कारण है, वहाँ आकर के सब अच्छी बातें करते हैं, उस ध्वनि का अपना एक ऊर्जा होती है, तो ये ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी अपने घर में आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये भगवद्गीता आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं, और बहुत ही सुंदर मुझे इसका ये तरीका लगा। तो भारतीय ग्रंथों को फिर से इस दुनिया के सामने रखने के लिए, उन्हें प्रासंगिक बनाने के लिए ये तकनीकी का सर्वोत्तम प्रयोग मैं इसे कहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपको ये ग्रंथ अच्छा लगता है, आप इसे किसी भी प्रकार मंगवाना चाहते हैं, आप स्वतः भी मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं समझती हूँ कि भगवद्गीता की प्रेरणा आप सभी के घर में इसी प्रकार आगे से आगे समृद्धि आपको देती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।